हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अप टू डेट फार्मेसी में, जहां पर आपको फार्मेसी की अपडेट्स मिलती रहती हैं। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आप सबको पता होगा कि कोरोना के चलते जो लॉकडाउन 3 अभी तक चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है। बहुत सारे डाउट्स हैं सबके मन में, आगे क्या होगा। स्टूडेंट्स के मन में ख़ासतौर से डाउट रहता है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कितने नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, कैसा होगा, रिजल्ट का क्या होगा, हमारा अगर प्लेसमेंट है फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो वो कैसे होगा। तो ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि अपना AKTU वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्कुलर लेकर आया था 2 दिन पहले। इसमें उसने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी थी, एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया था कि ऐसा ऐसा प्लान है हमारा करने का। अब उसी सर्कुलर में कई चीज़ें नहीं क्लियर थी, स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की और कॉलेजेस की, तो उसको क्लियर करने के लिए आज एक वेबिनार जो कि जूम मीटिंग के थ्रू था, उस वेबिनार के माध्यम से जिसमें स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करके क्वेश्चंस पूछ सकते थे, उस मीटिंग के थ्रू ऑनरेबल VC प्रोफेसर विनय पाठक जी और उनकी पूरी टीम, इन सब ने कई सारे डाउट्स क्लियर किए और आगे की पूरी प्लानिंग सबके सामने रखी है। तो आज इस वीडियो में उस मीटिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक समराइज वे में आपके सामने है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखकर लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, ऑनरेबल VC विनय पाठक जी ने आज की मीटिंग में सबसे पहले तो ये बात करी कि कैसे बचाव करना है हमारे, क्योंकि ज़्यादातर AKTU के कॉलेजेस वो क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं, तो उसमें कैसे साफ़ सफाई होगी, कैसे स्टूडेंट्स को बुलाएंगे तो रखेंगे, कैसे उनको कैसे क्लासेस चलाएंगे, कैसे एग्ज़ाम कराएंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, ये सारी बातें उन्होंने अपनी प्लानिंग बताई कि ये सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की है। सारे इंस्टीट्यूट से डिस्कशन करके उनकी पूरी तैयारी करा के वो सब कराएंगे। और साथ ही एक बहुत बड़ी क्वेरी पर ऑनरेबल वाइस चांसलर जी ने क्लियर किया कि एग्ज़ाम्स होंगे। ये डाउट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट्स के मन में कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी ने रिलैक्स कर दिया, उसी यूनिवर्सिटी ने प्रमोट कर दिया, वहाँ ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि AKTU एग्ज़ाम्स करा रही है सारे सेमेस्टर्स के, और बिना एग्ज़ाम्स के कोई भी स्टूडेंट प्रमोट नहीं होने वाला है। वो अलग बात है कि एग्ज़ाम का फॉर्म क्या होगा, कैसा पैटर्न होगा, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम्स होंगे ये कन्फर्म हुआ पहली बात VC सर की बातों से। दूसरा कि कुछ क्लासेस भी चलेंगी, तो आगे उन्होंने पूरा शेड्यूल दिया। अपनी टीम के साथ थे ऑनरेबल वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर विनीत कंसल जी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर DC मिश्रा जी, एडिशनल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी, ऐसे करके पूरी टीम के साथ वो बैठे थे, सभी इंटरेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स के सामने। और DC मिश्रा जी ने पूरा एक शेड्यूल उन बताया, डिस्कस किया कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स उनका 6 जुलाई से क्लासेस फिर से शुरू हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएंगे क्लासेस 6 जुलाई से, जो कि पेंडिंग क्लासेस थी इस सेमेस्टर की, होल्ड पर थी, वो 6 जुलाई से 15 जुलाई तक फिर से क्लासेस चलेंगी। और इन 6 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जो भी डाउट्स हैं स्टूडेंट के सिलेबस से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो छूट गए होंगे उनको रिवाइज करना है, सिलेबस में इनकम्प्लीट रह गया है, प्रैक्टिकल्स बचे हैं उनकी प्रैक्टिकल्स कराना, लैब्स में क्लास टेस्ट वगैरह, ये सब 6 से 15 जुलाई के बीच में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का होगा। और ठीक उसके अगले ही दिन यानी 16 जुलाई से 26 जुलाई इस 10 दिन के अंदर इन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का सेमेस्टर एग्ज़ाम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करा दिया जाएगा। तो ऐसे 20 दिन टोटल यानी कि 6 जुलाई से 26 जुलाई ये 20 दिन में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का क्लासेस रिवीजन प्रैक्टिकल सब कराकर एग्ज़ाम कराकर उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिसीज़न है यूनिवर्सिटी का कि सबसे पहले फोकस उनका फाइनल ईयर स्टूडेंट्स पे है कि उनका एग्ज़ाम कराना है और उनको जल्दी से जल्दी आगे उनके करियर में आगे बढ़ा देना है। लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, जब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देकर जा चुके होंगे, ठीक उसके अगले दिन ही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यानी 27 तारीख को आएंगे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अपने क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, 28 तारीख से सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आएंगे और 29 तारीख से थर्ड ईयर स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस ज्वाइन करेंगे, वही क्लासेस जो डाउट क्लियरिंग होंगी, सिलेबस इनकम्प्लीट था तो उसको कंप्लीट करने के लिए, प्रैक्टिकल्स कराने के लिए और क्लास टेस्ट वगैरह कुछ कराने के लिए ये कॉलेजेस को ऐसे 7 से 10 दिन का समय मिलेगा। तो यहाँ पर
यूनिवर्सिटी ने 20 दिन का 21 दिन का टाइम दिया हुआ है, जो कि 27 जुलाई से 21 अगस्त तक का पूरा समय रहेगा, जहां पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की क्लासेस चलेंगी। और उसके ठीक अगले दिन यानी 22 अगस्त से 10 सितंबर तक उनके थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जैसे होते थे वैसे ही होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है कि पहले फर्स्ट ईयर हो जाएगा, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे, और एक शिफ्ट में एक शिफ्ट में एक ही ईयर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले जैसे हुआ करता था कि मॉर्निंग में फर्स्ट ईयर हो रहा है, इवनिंग में फाइनल ईयर हो रहा है, वैसा नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी दी डीसी मिश्रा जी ने कि एग्ज़ाम्स अब 3 शिफ्ट्स में हो सकते हैं। पहला मॉर्निंग और इवनिंग जैसे होता था, मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग ऐसे 3 शिफ्ट्स होंगी, और एक पूरा दिन चल रहा है तो फर्स्ट ईयर ही चलेगा, सेकेंड ईयर ही चलेगा, थर्ड ईयर ही चलेगा, यानी कि अलग अलग ब्रांचेस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स फर्स्ट मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग में एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इसी तरह उन्होंने एग्ज़ाम के ड्यूरेशन के बारे में भी बताया कि एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन जो 3 घंटे के हुआ करते थे, इंजीनियरिंग में हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स हुआ करते थे इसमें 2 घंटे 2.5 घंटे का होता था, लेकिन फार्मेसी में कभी नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 घंटे का एग्ज़ाम अब फार्मेसी में भी होगा इस सेमेस्टर में। तो 2 घंटे का ड्यूरेशन हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर बिल्कुल नहीं आएगा, जैसे होता था सब्जेक्टिव ही आएगा, और मैक्सिमम चॉइसेस ज़रूर रहेंगी, क्योंकि पेपर 2 घंटे का हो जाएगा तो चॉइसेस बढ़ जाएंगी। जैसे पहले 10 नंबर का क्वेश्चन अगर आता था और 3 क्वेश्चंस में से एक करना होता था, तो अभी 5 में से एक करना होगा, ऐसे चॉइसेस बढ़ जाएंगी। तो सिलेबस वही रहेगा, चॉइसेस बढ़ जाएंगी, तो हमारे पास होने की, अच्छे परसेंटेज गेन करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी की तरफ से है, स्टूडेंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं तैयारी करके अपने परसेंटेज बनाने में। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ने दी कि इससे रिलेटेड तैयारी के लिए यूनिवर्सिटी सैम्पल पेपर, जो नया पैटर्न होगा इस बार का, उस पैटर्न से रिलेटेड सैम्पल मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, वो यूनिवर्सिटी अगले हफ्ते रिलीज करेगी, जो कि वेबसाइट्स पे अवेलेबल होगा। साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल रहेंगे तैयारी के लिए, और डिटेल्ड टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा, अगले हफ्ते डेट शीट एग्ज़ाम की आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट सारे डिसीजंस हैं जो आज की मीटिंग में, आज के वेबिनार में लिए गए, इन्फॉर्मेशन दी गई स्टूडेंट्स को। और हाँ, इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन दी गई कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जो फाइनल ईयर के 26 जुलाई को ख़त्म होने वाले हैं, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के 10 सितंबर को ख़त्म होने वाले हैं, तो इसके बाद कोई सेमेस्टर ब्रेक लीव नहीं मिलेंगी, यानी कोई हॉलीडेज नहीं होंगी, कोई समर ब्रेक नहीं है। हमारा अगला सेशन, नया सेशन नेक्स्ट सेमेस्टर का, वो 12 सितंबर से ही शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना लॉस ऑलरेडी हो चुका है और इतने दिन से हम सभी छुट्टी पर ही हैं ऐसा मानकर चले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे, कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो आज के इस वेबिनार में, मीटिंग में ली गई ऑनरेबल वाइस चांसलर विनय पाठक जी ने और उनकी पूरी टीम ने, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सब ने मिलकर ये स्टूडेंट्स से क्लियर किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को अपने सारे कलीग्स स्टूडेंट्स को शेयर करें, आगे प्रोपोगेट करें, इस वीडियो को लाइक कर लें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी आपको अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है विद अप टू डेट फार्मेसी। धन्यवाद।